हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज हम माइनक्राफ्ट के अंदर जो हमने यहाँ पे शिप का फार्म और काव का फार्म बनाया था उसको तोड़ देंगे और उसको कोई दूसरी जगह पे हम बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास शिप तो हमने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमारी जितनी शिप थी वो भाग गई थी, तो मैंने शिप फिर से नहीं लाया क्योंकि अभी उसको तोड़ना ही है, इसीलिए मैंने शिप को नहीं लाया। और यहाँ पर से हम अपना जितना सामान है उसको ले लेंगे, इतना सामान लेना था वो ले लिया। और हमारे पास बहुत ज़्यादा डर्ट थी तो मैंने यहाँ पे जो हमारे घर के आगे जितने भी गड्ढे थे उसको सही करने के लिए उसको लगा दी, जिससे गड्ढे भी पूर जाए और हमारी जितनी डर्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी हमें सबसे पहले हमारा जो ये फार्म बनाया है उसको तोड़ना होगा, तो इसको तोड़ लेते हैं फटाफट। तो गाइस, इस साइड की जितनी फेंस थी उसको तोड़ लिया और अभी यहाँ पर तोड़ना है। लेकिन अभी हम इसको नहीं तोड़ने वाले कि अभी ये फार्म है इसको हम कहीं दूसरी जगह बनाएंगे और जितनी कार उसको उस फार्म में रखेंगे उसके बाद ही इसे तोड़ेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा फार्म बना लेते हैं इनके। तो गाइस, यहाँ पे भी हमने इनके लिए इतना सा फार्म बना लिया है और अभी हमें वीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास शायद तक वीट होना चाहिए चेस्ट में, क्योंकि अभी हमने कटिंग करी थी हमारी जितनी फार्मिंग है उसकी। तो हम देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम ऊपर से तोड़ लेंगे क्योंकि अभी हमारी फार्मिंग तो फुल हो रही है इसीलिए। नहीं गाइस, यहाँ पे भी हमारे पास वीट नहीं है, तो अभी हमें ऊपर से वीट काटना होगा ताकि हम जितनी भी काव है उसको उनके फार्म में ले जा सकें। यहाँ से जितनी फार्मिंग हो रही है उसको काट लेते हैं। और गाइस, यहाँ पे मैंने गलती से इतनी पूरी साइड में हमने वीट की जो फार्मिंग करनी थी उसके सीड्स लगा दिए और अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ साइड में ही इसको लगा देते हैं कैरेट को। और गाइस, यहाँ पे भी हमारा जितना काम यहाँ पे जो फार्मिंग निकालनी और लगानी थी उसको करते हैं। और अभी हमारी जितनी काव है उसको वहाँ पे भी ले जाते हैं के नए वाले फार्म में। तो इसके लिए हमें इसको तोड़ देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे हमने जो लकड़ी तोड़नी थी वो तोड़ दिया और अब जितनी काव है उसको भी हम ले जाएंगे। और गाइस, यहाँ पे जितनी जो काव और जो थी उसको यहाँ पे लिया है और उनके साथ शिप भी आ रही है तो उनको भी रहने देते हैं, बाद में हम उनको निकाल देंगे यहाँ से और इनको आने देते हैं। गाइस, यहाँ पे शिप को भगा देता हूँ मैं जिससे काव आ सके। और यहाँ पे गाइस मैं सोच रहा हूँ इतनी काव बहुत हो गई, दो बाहर और यहाँ पे एक और काव घूम रही है, तो इनको बाहर ही रहने देते हैं वो, तो हम ब्रीडिंग करा के बढ़ा लेंगे। और यहाँ से भी हमें ये फेंस भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे अभी हमारे जितनी फेंस निकालनी थी वो निकाल ली। और अभी ये जो यहाँ पे अभी हमें ये जो स्टोन लगाए हुए है इसको तोड़ना होगा, तो वहाँ पे अंदर जाके इसको तोड़ लेते हैं। और उस साइड भी ऐसा ही करना है तो इसको फटाफट तोड़ लेते हैं। और गाइस, इस साइड से तो हमने जितनी वॉल निकालनी थी इसको निकाल दिया और अभी मैं सोच रहा हूँ इस साइड पे ही पहले थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी साइड करेंगे। तो यहाँ पे डर्ट लगानी होगी तो डर्ट लगा देते हैं। और गाइस, यहाँ पे भी हमारा जो थोड़ा बहुत काम हो गया है और वहाँ पे क्रीपर मुझे दिख गया, मैं सोच रहा हूँ फटाफट अभी सो जाते हैं। और गाइज, हमारे पास यहाँ पे क्रीपर आ रहा है तो मैं नीचे के घर में आज सोऊंगा। तो गाइज, यहाँ पे सुबह हो गई और अभी हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी दिख गए, लेकिन अभी हमें ज़ॉम्बी का कोई भी काम नहीं है, तो इसको यहाँ पे पहले लगाते जाते, इसको पैक करना है अभी हमें। और गाइज, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे ये डर्ट थी इसको एक नीचे तोड़ना था कि यहाँ पे भी हम स्टोन लगाने वाले इसीलिए। और गाइज, यहाँ पे नीचे की तरफ एक क्रीपर फंसा हुआ है, लेकिन अभी हम उसको छेड़े बिना अपना काम कर लेते हैं कि वो अपना काम बिगाड़ सकता है इसीलिए। और गाइज, ये यार ये क्रीपर इस साइड पे आ गया और यहाँ पे फट गया, मुझे पता ही नहीं कि कूद के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फट गया, तो इसको बंद कर देते हैं। और गाइज, यहाँ पे भी हमारा जितना थोड़ा बहुत काम करना था वो ख़त्म हो गया है। और अभी हमें गाइस उस साइड पे भी ऐसा करना है और अभी हमें थोड़ी डर्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ अभी हमें स्टोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बाद में लाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको तोड़ लेते हैं। और गाइस, इस साइड से भी हमने जो तोड़ना था
उसको तोड़ दिया है, और अभी यहाँ से भी सही करना है तो इसको भी कर देंगे। और गाइज यहाँ पे भी हमारी जितनी डर्ट थी वो ख़त्म हो गई, तो हम डर्ट ले लेते हैं यहाँ कहीं से साइड में से, जितनी डर्ट हो सके उतनी ले लेते हैं। और गाइज यहाँ पे एक वीच आ गई है शायद तक, रुको मेरे शॉट निकालना था भाई, रुक जा तू, रुक जा मरेगा। और गाइज इसको हमने मार दिया और इसने मुझे रेड स्टोन दिया, लेकिन अभी हमारी हेल्थ जा रही है तो उसको पहले ठीक करेंगे। और गाइज यहाँ पे भी हमने खाना खा लिया और इन्हें दिया पोर्शन ऑफ हेलिंग दिया, और यहाँ पे हमको यहाँ पे इन्हें पॉइजन का दे दिया था, तो 30 सेकेंड तक रहेगा, तो अभी हम अपना काम तो कर लेते हैं थोड़ा। तो गाइज इतनी डर्ट मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमें जितनी डर्ट लगानी थी इतनी लगा दी, और अभी यहाँ पे नीचे से थोड़ी जगह रह रही है तो इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी पैक कर दूँ। और गाइज यहाँ पे भी हमने डर्ट लगा दी, और अभी हमें स्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि अभी हमें यहाँ पे स्टोन लगाने पड़ेंगे, तो अभी हम स्टोन तोड़ने जाएंगे, लेकिन अभी जितने स्टोन लगते हैं उसको लगा देते हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे भी एक वॉल लगाने की कम पड़ गई, तो अभी हम स्टोन तोड़ लेते हैं और कहीं वहाँ पे पहाड़ पे से फटाफट तोड़ लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टोन है। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे पहाड़ पे आ गया और यहाँ से जितने स्टोन होते हैं उसको तोड़ लेते हैं। और गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गए, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पे रात हो गई, तो हम स्वॉर्ड निकाल लेते हैं बाहर और रुक जा भाई। और गाइस यहाँ पे हमने इसको तो मार दिया, और यहाँ पे सामने की तरफ स्केलेटन है, थोड़े और स्टोन यहाँ से ले लेते हैं और बाद में हम यहाँ से चले जाएंगे ये स्वॉर्ड, और यहाँ पे जितनी एक पिकेक्स हम तोड़ लेते ख़त्म करते उसके बाद हम चले जाएंगे। और गाइज यहाँ पे हमारे पिकेक्स जो थी वो टूट गए और अभी हम घर पे चले जाते हैं। गाइज अभी मैं अपने घर पे आ गया और यहाँ पे फटाफट सो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे सुबह हो गई और अभी हमारी हेल्थ कम है, तो अभी हम थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। तो गाइज अभी हम अपना काम जो करना था उसको बता देते हैं। और गाइज यहाँ पे भी हमने हमारे जो करना था वो कर दिया, और अभी गाइज यहाँ पे ऊपर की तरफ स्टोन लगाना तो उसको बाद में लगाते हैं, और अभी यहाँ पे ऐसी वॉल बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे भी हमारे पास जितने स्टोन थे मैं लाया था इतने ख़त्म हो गए, तो और गाइज स्टोन लाने हुए तो फटाफट उसको भी लेके आते हैं। गाइज यहाँ पे मैं फिर से इस पहाड़ पे आ गया और यहाँ से स्टोन ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ से भी हमने बहुत ही ज़्यादा स्टोन तोड़ लिया, तो इसको फटाफट अपने घर पे जाके लगा देंगे। तो गाइज अभी हम अपने घर पे आकर इसको फटाफट फिट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे भी हमने जो थोड़ा बहुत करना था उसको कर दिया, और यहाँ पे भी हमारे पास टॉर्चेस है तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं ताकि यहाँ पे अंधेरे की वजह से यहाँ पे मॉब स्पॉन ना हो इसीलिए। और गाइज यहाँ पे बाहर रात हो रही है, तो अभी हमारा बाकी का काम कल सुबह करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सुबह होते ही और यहाँ पे आ गए, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमने पीछे से घर पे यहाँ पे डर्ट लगी हुई है, तो इसको हटा देते हैं और इसकी जगह पे भी स्टोन लगा देते हैं, तो फटाफट इसको भी डर्ट को भी हटा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे भी हमने स्टोन लगा दिया और यहाँ पे भी थोड़ी डर्ट वैसी ही है, तो इसको भी सही कर देंगे। और गाइज यहाँ पे भी वैसा ही, तो इसको भी सही कर देते हैं। और गाइज यहाँ पे एक स्टोन लगाना बाकी रह गया तो इसको भी लगा दिया। और गाइज बाहर से भी हमारा घर अब घर नहीं लग रहा है, एकदम केसल जैसा लग रहा है, तो गाइज हमें अपने घर को केसल में ही कन्वर्ट करना था इसीलिए हमने ऐसा बनाया है, और अभी इसको बाद में थोड़ा और बनाएंगे। अभी तो हमने चार दीवार ही बनाई है तो थोड़ा इतना बड़ा हो गया अभी हमारा घर, तो अभी इसको बाद में और डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे गाइज और रुक जा भाई, स्पाइडर यहाँ पे कहाँ से आ गई, मेरे हिसाब से वहाँ पे एकदम
रोशनी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे स्पाइडर स्पॉन हो गई है। तो यहाँ पे रोशनी रोशनी कर देते हैं जिससे यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना। और ऊपर गाइज ये छत है, यहाँ से पानी टपक रहा है, लेकिन मैं ये छत जो है ऊपर उसको हम अगली वीडियो में इसको ऊपर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नीचे छत लग रही है, इसीलिए अगली वीडियो में इसको हम ऊपर कर देंगे। और गाइज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।